नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा आईटेल 5025 के बारे में। तो प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार ढक्कन निकाल लेता हूं और इसकी एक बार कनेक्टिविटी चेक कर देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पूरी तरह से शॉर्टिंग है, ठीक है, फुल शॉर्ट है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारा फ़ोन है वो भी सील्ड है, ठीक है, आपको शायद नज़र आए इसमें, ठीक है, अभी ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ शॉर्ट है इसका और खोल लेते हैं इसको। तो एक बार इसकी जो है मदरबोर्ड को जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना कचरा है। तो इधर भी थोड़ा ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या हाल है फोन का। दोस्तों एक बार इसको मैं साफ कर लेता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो एक बार चेक कराऊंगा मैं आपको, वह दोस्तों इधर एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है, नेटवर्क सॉरी बैटरी कनेक्टर के पास में जो कि कैपेसिटर लगाए के बाद इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग है या नहीं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है नज़र आए। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या चीज़ रिमूव कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है, इसी को रिमूव किया है। अब एक बार फिर से इसकी जो है वरना कनेक्टिविटी चेक करते हैं, अगर निकल गया तो ठीक है, वरना हमको इसका पैनल जो है, तो अभी शॉर्टिंग है दोस्तों, तो इसका आप पैनल उतार लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक कैपेसिटर इधर लगा था तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है, तो उसके बाद भी मेरी शॉर्टिंग जो है नहीं निकली है, तो अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है, ये कैपेसिटर निकालने के बाद भी। और एक कैपेसिटर यहाँ से रिमूव किया था मैंने फर्स्ट, ठीक है, तो अब सेकंड में इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ही शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो फ्रेंड्स इधर भी शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है कि इधर शॉर्टिंग हो, तो अब बचते हैं हमारे इधर के पार्ट। तो मैं इधर एक बार फिर से आता हूँ। तो दोस्तों मैं इधर से एक सिरा उसका उठा देता हूँ जो चीज़ मेरे को शॉर्टिंग लगी हुई है। तो अभी शॉर्टिंग है दोस्तों, तो दोस्तों इधर भी अगर रेजिस्टेंस लगा है तो एक बार इसको भी रिमूव करके देखता हूँ, ठीक है,
ये भी मेरे को शूटिंग जो है लग रहा है। नहीं, इसको आपने रिमूव नहीं करना है, एक साइड उठा लेता हूँ उसको मैं, ताकि मेरे को लगाना ना पड़े ये दूसरा, तो इसकी एक साइड ही उठा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक साइड जो है वो रिमूव किया, ठीक है, ये पूरा हटाया नहीं है। यहाँ पर अभी शॉटिंग हमारी सेम है, कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ा है। तो दो इधर भी लगे हैं, तो इसको भी मैं जो है रिमूव करूँगा, मतलब निकाल लूँगा नहीं। तो दोस्तों दोनों मैंने ये भी उठा दिए हैं, तो एक बार फिर से शॉटिंग चेक करता हूँ। तो अभी शॉटिंग है हमारी, ये दोनों रिमूव करने के बाद भी शायद लग गए आपस में। तो और दोस्तों ऐसी कौन सी, तो दोस्तों इधर ही यही एरिया है दोस्तों शूटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इधर का भी आप देख सकते हैं मैंने रिमूव कुछ नहीं किया है, ठीक है, इधर में से जो कैपेसिटर लगे थे सिर्फ इनके सिरे उठाए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है अपनी कनेक्टिविटी पे आते हैं। तो अभी शॉटिंग है दोस्तों, ये ना मैंने ये भी निकाल के देख लिया और ये भी, तो एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, देख लेना आप, वही फ़ोन है, ठीक है। तो एक बार पहले मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर फ़ोन हमारा ऑन है, और चलते हैं इसके मेन मदरबोर्ड की तरफ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इधर एक कैपेसिटर लगा था, ठीक है, इधर कैपेसिटर लगा था वो रिमूव किया है, ठीक है, ये कैपेसिटर यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसके चक्कर में काफ़ी जो प्रिंट थे वो फाड़ दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी मैंने रिमूव करके देखा था, ठीक है, ये दो इधर से रेजिस्टेंट लगे थे, ये भी रिमूव करे थे। एक कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टर के पास में लगा था, वो भी रिमूव किया, एक इधर भी लगा था बड़ा कैपेसिटर। तो ये सब काफ़ी करने के बाद जो हमारी शॉर्टिंग थी वो नहीं निकली, तो ये भी दोनों रिमूव करके देख लिए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिर्फ दो ही रिमूव करके देखेंगे, एक तो इधर बैटरी है, बैटरी कनेक्टर के पास में लगा बड़ा कैपेसिटर, और दूसरा ये दोस्तों ये, ठीक है, ये क्रिस्टल क्रिस्टल के पास में लगा है, ठीक है, इसको भावे आपने रिमूव करके देखना है। तो इतना ही वीडियो दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, थैंक यू सो मच।